हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अद्वैत एजुकेशन चैनल। सिक्स स्टैंडर्ड सीबीएसई चैप्टर नंबर 1 मैथ्स नोइंग अवर नंबर्स। फ्रॉम दैट चैप्टर वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 lakh इज इक्वल टू डैश डैश 10,000। फर्स्ट टेल मी ऑन 1 lakh हाउ मेनी जीरोज आर देयर। 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5। 1 lakh पर कितने जीरोज रहते हैं? 5। एंड 10,000 में कितने जीरोज रहते हैं? 4। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर है 5 zeros, यहाँ पर है 4 zeros, तो कितने जीरो और कम है? ओनली 1। 1 zero मीन्स आप क्या लिखोगे? 10। मीन्स सी, 1 lakh इज इक्वल टू 10,000। अब ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए। 1 lakh इज इक्वल टू 10,000। दिस इज योर आंसर। सेकंड, 1 million इज इक्वल टू डैश डैश 100,000। 1 million मीन्स हाउ मेनी जीरोस? 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 million मीन्स 6 zeros। एंड 100,000 मीन्स 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5 zeros। यहाँ पर 6 zero है, यहाँ पर 5 zero है, तो कितने जीरो कम पड़ रहे? 1 zero, 1 means 10। नेक्स्ट, 1 crore इज इक्वल टू डैश डैश 10 lakh। 1 crore मीन्स 7 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros। एंड 10 lakh मीन्स 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया 10 lakh। तो यहाँ पर 7 zero है, यहाँ पर 6 zero है, मीन्स और कितने जीरो चाहिए? 1, मीन्स 10। मीन्स 1 crore इज इक्वल टू 10 lakh। नेक्स्ट इज 1 crore इज इक्वल टू डैश डैश मिलियन। 1 crore मीन्स 7 zeros, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 crore means 7 zeros and million means 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Million means 1 million means 6 zeros. यहाँ पर 7 zero है, यहाँ पर 6 zero है, 1 zero कम है, means 10। 1 crore is equal to 10 millions, means both are equal. 1 million इज इक्वल टू डैश डैश लैक। अब देखा हमने, 1 million मीन्स हाउ मेनी जीरोज? 6 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड 1 lakh मीन्स हाउ मेनी जीरोज? 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर 6 zeros है, यहाँ पर 5 zeros है, मीन्स 10। 1 million इज इक्वल टू 10 lakh। अभी ये दोनों राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड कैसे हो गए? इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। मींस हियर नंबर इज गिवन इन वर्ड्स एंड यू कैन राइट डाउन इन फिगर एंड यू कैन गिव द करेक्ट कॉमास। 73,75,307। 73,75,307. 307, this is your number. And in Indian numerals, you can start from the left hand side. मतलब आप पीछे से शुरुआत करोगे, starting करोगे, 1, 2, 3, after 3, give the comma, again after 2, give the comma. पहले 3 numbers के बाद comma देना है, उसके बाद 2 numbers के बाद आपको comma देना है. This is your answer. 73,75,307. Next, 9 crore 5 lakh 41.
ये क्या है 41 मीन्स 041। उसके बाद क्या आएगा आपका कॉमा, दिस इज योर यूनिट यूनिट टेंस 100 थाउजेंड 10,000। उसके बाद क्या बोला है 5 लाख लाख एंड आफ्टर दैट 9 करोड़ मीन्स हियर 9। दिस इज योर नंबर आफ्टर 3 डिजिट गिव द कॉमा देन आफ्टर 2 डिजिट गिव द कॉमा अगेन आफ्टर 2 डिजिट गिव द कॉमा। सी यूनिट टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41। नेक्स्ट 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302 7 करोड़ 52 लाख इसको हम आएगा 52 लाख 21,000 मीन्स अगेन 21 के बाद भी क्या आएगा कॉमा 302 ओके 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302। नेक्स्ट क्वेश्चन डी 58 मिलियन 423,000 202 58 मिलियन 423,000 मीन्स दिस इज गिवन इन इंटरनेशनल सिस्टम में ये नंबर आपको दिया है और फर्स्ट टू क्वेश्चन हमारे कौन से थे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और ये कौन सा है इंटरनेशनल। हाँ फर्स्ट कौन से थे फर्स्ट एंड सेकंड इंडियन ये कौन सा है इंटरनेशनल। 58 मिलियन 8 मिलियन 423 मीन्स 423,000 202 Now in international system after 3 digits you can give the comma 3 digit के बाद comma उसके बाद अगेन 3 digit के बाद comma। देखो 58 मिलियन कॉमा 423,000 कॉमा 202। नेक्स्ट 23,30,000 and 10 23 lakh comma 30,000 comma 10 means 010 this is Indian system after 3 digit comma 2 digit comma question number 3 insert comma suitable and write the names according to Indian system of numeration। ये इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है। अभी देखो ये नंबर एज इट इज मैं कॉपी कर रही हूँ 8 7 5 9 5 7 6 2 आफ्टर 3 डिजिट कॉमा देन 2 डिजिट कॉमा देन 2 डिजिट कॉमा यहाँ पर और यहाँ पर आपका कॉमा आ जाएगा। यूनिट टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़ मीन्स 8 करोड़ 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 95,000 95,000
थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू, सेवन हंड्रेड सिक्सटी टू. नेक्स्ट नंबर एट फाइव फोर सिक्स टू एट थ्री, आफ्टर थ्री डिजिट कॉमा, देन आफ्टर टू डिजिट कॉमा. फर्स्ट नंबर इज 85 लाख. यू नीड टेन्स, हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख. मीन्स यहाँ पर 85 को क्या आएगा लाख, 85 लाख, 85 लाख. 46 को क्या आएगा थाउजेंड, 46 थाउजेंड. टू हंड्रेड एटी थ्री, एटी थ्री. सी दिस इज अवर नेक्स्ट नंबर 999-000-46. मीन्स आफ्टर थ्री डिजिट यहाँ पर कॉमा आएगा, आफ्टर टू डिजिट ईयर कॉमा विल बी देयर, अगेन आफ्टर टू डिजिट्स ईयर कॉमा विल बी देयर. मीन्स यूनिट टेन्स, हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक एंड करोड़, नाइन करोड़, नाइन करोड़, नाइन्टी नाइन लैक 46. 46. नेक्स्ट नंबर आफ्टर थ्री डिजिट कॉमा, टू डिजिट कॉमा, टू डिजिट कॉमा. यूनिट टेन्स, हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक करोड़. मीन्स नाइन करोड़, 84 लैक, 84 लैक 32,000, 32,701. Next question number 4. Insert comma suitably and write the names according to international system of numeration. ये क्वेश्चन नंबर थ्री था इंडियन, अब ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम. इन इंटरनेशनल सिस्टम आफ्टर थ्री डिजिट्स यू कैन गिव द कॉमा. वन टू थ्री कॉमा, वन टू थ्री कॉमा. This number is the 78 million. 78 क्या आएगा million, 78 million. 921,000. ये कौन सा आएगा 921,000. थाउजेंड 92. ये जो लास्ट थ्री डिजिट है ना, जो भी नंबर रहेगा एज इट इज हम रीड करेंगे. ये 92 नंबर है तो ये 92 नंबर लिखा. आफ्टर दिस यू कैन गो फ्रॉम बैकवर्ड. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. ये फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये नंबर जैसे है एज इट इज लिखेंगे. 92 है, 92 लिखा हमने. ये 921 नंबर है तो 921 क्या आएगा, ये
थाउजेंड, इसको हम क्या बोल लिखेंगे, थाउजेंड. यू कैन मूव नाउ हियर 78, 78 इज व्हाट, मिलियन, मिलियन आफ्टर दैट थाउजेंड आफ्टर दैट नंबर एज इट इज. सिमिलरली फॉर द सेकेंड, सी फर्स्ट वी विल गिव द कॉमास, 7, 4, 5, 2, 2, 8, 3. आफ्टर थ्री डिजिट, आफ्टर थ्री डिजिट यू कैन गिव द कॉम, मीन्स हियर 7 मिलियन, 7 मिलियन. Then 452,82,000, 52,000, 200, 283. This is million, thousand and number. 7,452,283. Next, 99,985,102. Means 99 million. 99 million. Million. After that, 985,000. 985,102. 102. Then next. 831, then 049,48, means here 48 million, means 48,49,831. Thank you for watching the video.